नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बैगन का भरता हम कैसे बनाते हैं। बैगन को पहले एक अच्छा बैगन लेके उसको मैंने भून लिया और उसको हाथों से ऐसे मैश कर लिया। इसके अंदर हम डालेंगे बारीक प्याज, लहसुन, अदरक घिसा हुआ, दो टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, गरम मसाला और नमक डालेंगे। तो नमक, जीरा, कड़वा तेल, ये सब मिला करके हमारा बनेगा बैगन का भरता। सबसे पहले हम कड़वा तेल लेंगे। इसमें अगर आप कड़वे तेल में बनाते हैं तो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। कड़वे तेल की एक अपनी महक है और इसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है। कच्ची घानी का बढ़िया मस्टर्ड ऑयल है तो इसमें खुशबू आती है और इसको थोड़ा गर्म करना चाहिए। अगर इसको अपन गर्म नहीं करते हैं तो ये स्वाद थोड़ा अलग किस्म से आता है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये जो है ज़ीरा स्प्लिट होना चाहिए, ये स्प्लिट हो जाएगा तो ये बढ़िया लगेगा। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। करना है और प्याज के साथ ही हमें लहसुन डाल देना चाहिए ताकि ये दोनों ही चीज़ें भून जाए। बैगन के भरते को बनाने के लिए आप जितना ये कटा हुआ मसाला इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। और कहते तो हैं कि ये सब्जियों का राजा है बैगन, में इसीलिए क्राउन दिया गया है, उसको राजा माना गया है। लेकिन ये स्वाद इसका बढ़ता है जब हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देते हैं। तो मैंने अदरक भी डाल दी इसके अंदर। अभी हम सूखे मसाले इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि जब तक प्याज भूनती है सूखे मसाले का जलने का डर होता है। तो आप देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन सी ये प्याज होने लगी है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर। जब आप टमाटर डालें तभी आप इसमें नमक डाल दें क्योंकि ये टमाटर, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर बैगन। और हरा धनिया भी डालना था लेकिन लॉकडाउन में मेरे पास हरा धनिया नहीं है तो इसलिए मैं इसमें हरा धनिया नहीं डाल पा रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी चाट मसाला और गरम मसाला जो मैंने मिक्स करके रखा है। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से ये बैगन का भरता थोड़ी देर भूनने के बाद तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये बैगन का भरता फटाफट भून के तैयार हो गया है और इसका एकदम कलर चेंज हो गया है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसालों की, प्याज, लहसुन, अदरक सभी चीज़ें मिलाकर के ये बहुत ही बढ़िया बन गया है। और अब मैं इसमें करूँगी प्लेटिंग की तैयारी। तो इसको हम प्लेट कर लेते हैं। मेरे पास इस वक्त हरा धनिया नहीं है तो मैं इसको थोड़े से टमाटर के साथ गार्निश करूँगी और हरी मिर्च रखूँगी। हरी मिर्च बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है। और इस तरह से ये आपका बैगन का भरता तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।